सर आपकी बुक में नहीं है सर। सर राजुल सर एक मिनट, ये मैसेज आ रहा, देखो गॉट इट करना है इसको। ठीक सर, तो मैं ये कह रहा था कि ये कोई ऑफिशियली हमारा चैप्टर नहीं है, बट मैं जो फिजिक्स का हर एक चैप्टर है उसमें इसका हम यूज करेंगे। ओके, विदाउट द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर वी कांट डू एनीथिंग इन फिजिक्स। सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक मैथमेटिकल टूल। इसमें हमें करना क्या है, ये मेनली चैप्टर जो है बायो वाले बच्चों के लिए ज्यादा कंसर्न होता है क्योंकि उनको मैथ्स पढ़नी नहीं है ना, बट फिजिक्स में मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन तो यूज होता है, तो इसलिए ये चैप्टर हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर में हम जान लेते हैं। मैंने आपका ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया है, अगर आप लोग लाए हो मोबाइल तो ओपन कर लो, ग्रुप में मैंने पीडीएफ शेयर किया है इसका, और इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले उसमें ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो सारी चीजें हो जाएगी। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारा पीडीएफ ओपन कर लो। चलिए तो देखिए क्या है, पहला है फिजिकल कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बदले ना, कभी भी जो चीजें बदलती नहीं है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जो चीजें बदलती नहीं है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, कांस्टेंट दो टाइप के हैं, एक है विद डायमेंशन और एक है विदाउट डायमेंशन। तो एक नई चीज आपके सामने आ गई कि कांस्टेंट दो टाइप के हैं, एक है विद डायमेंशन और एक है विदाउट डायमेंशन। देखिए भाई दो टाइप के कांस्टेंट, पहला है विद डायमेंशन, आंचल परी बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ रही है क्रिश? यस सर, यस हाँ सर। तो भाई मुझे अच्छा लगेगा आप लोग कहोगे सर, आपकी ये वाली क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव है और मजे आ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ थोड़ा सा जूम ऐप है तो इस वजह से लाइट अनबैलेंस होगी, तो जहां पे अनबैलेंस हो भाई बता देना। तो दो कॉन्स्टेंट की बात हो गई, एक है बेटा विद डायमेंशन और एक है विदाउट डायमेंशन। ये विद डायमेंशन और विदाउट डायमेंशन का मीनिंग क्या है एक बार में क्लियर कर देता हूँ बेटा। आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आई थिंक 1.5 होता है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है 1.5, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है 2.42, है ना बेटा, पढ़ के आओ ना क्लास 10th में। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा होता है। आइए देखते हैं म्यू डायमंड इज इक्वल्स टू 2.42, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा हुआ करता है 2.42। अब आप देखिए ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या मैं इसको 2.42 करके जाऊंगा क्या, लिए कल ही अपने आप बदल जाएगा क्या, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आज है वो कल रहेगा, वही परसों रहेगा और वही हर दिन रहेगा। मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, बट इसके आगे कोई यूनिट लगती है क्या, क्या इसके आगे कोई यूनिट लगती है? नो, क्यों नहीं लगती यूनिट भाई, क्योंकि ये यूनिट लेस है। क्या है ये, यूनिटलेस है ना बेटा कि नहीं है, और ये यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि बेटा ये रेशियो है। अब बोलोगे सर ये किसका रेशियो है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन थी वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। याद आया बेटा, आ रहा समझ में, जहां आना है पूछना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब पहले मीडियम में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है यूनिट बच्चे लोगों, मीटर पर सेकेंड, और दूसरे मीडियम में भी क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही मीडियम में जब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है तो बच्चों मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड हो गया कैंसिल, और ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, यूनिट के नाम में कुछ भी नहीं बचा। तो ये कैसा कॉन्स्टेंट हुआ, विदाउट ऑफ यूनिट, विदाउट ऑफ यूनिट, इस कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है। तो ये कांस्टेंट हमारे पास होगा
विदाउट डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसके पास यूनिट नहीं है, ओके, विदाउट डायमेंशन ब्रैकेट में लिख लो यूनिट, ओके। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। देखो जो नई बातें हैं ना वो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, और जो कॉमन बातें हैं वो मैं शीट में दूंगा, है ना, सिखाऊंगा मैं वो जो चीजें अलग हैं, जो चीजें नई हैं, जो सीखने लायक हैं, जो आपको बनती नहीं है। नॉर्मल चीजें तो हर जगह बुक में मिल जाएंगी, कॉपी में मिल जाएंगी। तो बच्चों एक है विदाउट डायमेंशन कॉन्स्टेंट, सो विदाउट डायमेंशन जो यूनिट है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, एनी प्रॉब्लम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब विद डायमेंशन की बात करते हैं। विद डायमेंशन, विद डायमेंशन मतलब विद यूनिट। अब विद यूनिट का एक कॉन्स्टेंट बताने की कोशिश करो, चलो बोलो एक कॉन्स्टेंट विद यूनिट का, जिसकी यूनिट हो। हाँ, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो वेरिएबल है बेटा। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, वेरी गुड, यहाँ पर बच्चे ने बताया है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एग्जैक्टली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है वो विद यूनिट है, कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कुछ होता है, ऐसा कुछ हुआ करता है, देख लेना। और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी यूनिट होती है। तो फीलिंग ये लाओ, फीलिंग क्या लानी है कि एक तरफ तो बेटा यहां पर एक तरफ इसमें यूनिट है और दूसरी तरफ इसमें यूनिट नहीं है, एक इसमें यूनिट है ऊपर वाले में और दूसरी यूनिट नहीं है। तो बेटा हमने दो तरीके के कॉन्स्टेंट पढ़े, एक हमने कॉन्स्टेंट पढ़ा विद डायमेंशन और एक हमने पढ़ा विदाउट डायमेंशन। अब इसके बीच में आपने एक बात बोल दी वेलोसिटी, तो क्यों ना वेलोसिटी पर भी चर्चा कर ली जाए। तो जब वेलोसिटी पर अब चर्चा करेंगे तो एक नया टॉपिक हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये देखिए, अब तो लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी के भी दो मायने हैं बच्चों, एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। ये लो भाई, बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो एक है वेरिएबल और एक है कांस्टेंट। अब वेरिएबल में भी दो वैरायटी हैं, एक वेरिएबल विद डायमेंशन, वेरिएबल विद डायमेंशन, और दूसरा वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। ये लो, वेरिएबल विद डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यूनिट, डायमेंशन का मतलब क्या समझो, यूनिट। एक है वेरिएबल विद डायमेंशन और दूसरा है वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। कॉन्स्टेंट में भी दो अभी पढ़ लिए, कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन और दूसरा क्या, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन। चलो अब इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वेरिएबल विद डायमेंशन और वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। बेटा आप मुझे बताइए कि आपने अभी अभी कहा कि वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी पहली चीज कांस्टेंट तो नहीं है, ये अब आपको फीलिंग आ चुकी होगी। क्यों नहीं है, क्योंकि आज आपकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, थोड़ी देर बाद 25 होगी, घर जाओगे 35 हो जाएगी, कल आओगे 10 हो जाएगी या 50 हो जाएगी, यार तो ये तो बदल सकती ना। मगर डेंसिटी मरकरी की फिक्स है ना बेटा, फिक्स, आज भी फिक्स है, कल भी वही रहेगी, परसों भी वही रहेगी, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट, और डेंसिटी की यूनिट होती है क्या, होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अरे बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को नापते हैं किलोग्राम में, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूबिक में, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो डेंसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो अब मैंने सब कुछ आपको बता दिया, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, वेरिएबल विद डायमेंशन का एग्जांपल दो, एक ऐसा वेरिएबल जिसका डायमेंशन भी हो, बोलो बोलो वेरिएबल विद डायमेंशन। आप ही ने बताया ना वेलोसिटी,
वेलोसिटी वेरिएबल है हाँ या ना, डायमेंशन है कि नहीं है, डायमेंशन है कि नहीं है, है मीटर पर सेकेंड डायमेंशन है, तो बच्चों वेलोसिटी लिखो, सो वेरिएबल विद डायमेंशन इज वेलोसिटी। और क्या बोला बच्चे ने, किसी ने बोला है पावर, वेरी गुड बेटा, और क्या बोलो, बोलो आंचल परी कृष बोल बेटा, पावर हो गया फोर्स एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड, एनर्जी 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 है ना, सबकी एनर्जी अलग अलग है, एनर्जी किसमें मेजर करी जाती, जूल में, सो जूल यूनिट है, यूनिट है तो डायमेंशन है ना, वेलोसिटी पावर एनर्जी। इलेक्ट्रिक करेंट वेरी गुड, कहीं 2 एम्पियर कहीं 4 एम्पियर कहीं 5 एम्पियर, सो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, वेरिएबल विद डायमेंशन। ओके अब बात करते हैं वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। ओके वेरिएबल तो है बदलेगा, बदलेगा वेरिएबल है मतलब बदलेगा और डायमेंशन नहीं है, तो ऐसी कोई चीज बताओ जो वेरिएबल हो और विदाउट डायमेंशन हो, जो बिल्कुल फिक्स ना हो, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। एंगल 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 बिल्कुल सही, एंगल वेरी गुड, यस एंगल एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है। एंगल की क्यों नहीं है डायमेंशन भाई, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क किसमें नापा जाता है सेंटीमीटर में, रेडियस में किसमें नापा जाता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सो एंगल हो गया, तो वेरिएबल है हाँ है, क्यों है भाई बदल रहा है इसलिए वेरिएबल है। डायमेंशन है क्या, नहीं है डायमेंशन नहीं है, क्यों नहीं है डायमेंशन, क्योंकि ना इसमें मास इन्वॉल्व है, ना इसमें लेंथ इन्वॉल्व है, ना इसमें टाइम इन्वॉल्व है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हो गया वेरिएबल विद विदाउट डायमेंशन। एक और चीज बताऊं मैं आपको वेरिएबल, स्ट्रेन लिखो, नया चीज है, वैसे ये सब नोट कर लेना बच्चों ठीक है ना, ये सब कुछ नोट करना अभी, हाँ स्ट्रेन स्ट्रेन अभी हमारे बच्चों के लिए नया टर्म आ गया, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या लाइटनिंग में दिक्कत तो नहीं हो रही, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दे। नो सर। चलो वेरी गुड ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो रहा है ब्राइटनेस का इश्यू, मगर काम चला लो भाई, अपने मोबाइल के ब्राइटनेस बढ़ा लो। सो बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये देखो तो चेंज इन लेंथ भी क्या होगा सेंटीमीटर में, और ओरिजिनल लेंथ भी किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गई। अब आप बोलोगे सर तो ये वेरिएबल कैसे है, अरे अलग अलग मटेरियल को खींचोगे तो अलग अलग चेंज इन लेंथ आएगा ना, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग चेंज इन लेंथ है, तो नोट कर लो बच्चों ये है वेरिएबल, ये चीज बदलेगी, ये चीज बदलेगी। डन, नोट करो आराम से सभी बच्चे नोट करो, और कुछ पूछो भाई जो पूछना हो, कोई डाउट आ रहा हो बताओ मेरे को क्या डाउट आ रहा है।
यस सर डन. वेरी गुड बेटा, ठीक है नोट कर लो आराम से. अब बेटा फोकस करो, नोट कर चुके हो तो कांस्टेंट पे, और कांस्टेंट विद डायमेंशन एंड कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन. सोचो क्या हो सकते हैं कांस्टेंट विद डायमेंशन एंड कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन. कांस्टेंट मतलब ऐसी चीजें जो बदलेंगी नहीं, चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो चीजें बदलनी तो नहीं चाहिए. अब कांस्टेंट विद डायमेंशन एंड कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन. चलो तो शुरुआत करते हैं बेटा. एक कांस्टेंट विद डायमेंशन बता दो, वो लिखा होगा ऊपर. ये देखो यस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, 6.678 × 10^11 -11 होता है न्यूटन. थोड़ा कंफ्यूज भूल गया हूं मैं, अभी देख लेंगे उसको. आई थिंक -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. क्यों? यूनिवर्सल फिक्स है एकदम, बदलेगा नहीं कभी भी. चाहे कोई भी प्लैनेट की कैलकुलेशन करो सबके लिए सेम है. और देखो डायमेंशन यूनिट ही बैठी हुई है. और इजी बताऊं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख लिया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8 × 10^-31 किलोग्राम, यही होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और किलोग्राम है मतलब यूनिट है, मतलब डायमेंशन है. बच्चों लिख लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन में भी मैंने बताया नहीं, मैंने कह दिया कांस्टेंट विद डायमेंशन. सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10^-31 किलोग्राम लिखो, ये हो गया. और तो बहुत है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी फिक्स है. पानी की डेंसिटी फिक्स है ना बेटा, क्या दिक्कत है? पानी की डेंसिटी फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है. तो कांस्टेंट है और विद डायमेंशन, डायमेंशन है. डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो बच्चा मास को किसमें नापेंगे, किलोग्राम में. वॉल्यूम को किसमें नापेंगे, मीटर क्यूब में. तो किलोग्राम है, मीटर क्यूब है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, 1000 kg/m³. नोट करो पानी की डेंसिटी. फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट याद करके ही जाने पड़ेंगे, ठीक है ना. जैसे पानी की डेंसिटी कोई बताएगा नहीं आपसे कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है. अभी हम लोग को बहुत बड़ी फिजिक्स पढ़नी है, बहुत बड़ी, ठीक है ना. और मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स फिजिक्स का 1/4 है, 1/4. फिजिक्स बहुत बड़ा है बच्चों, अनलिमिटेड सब्जेक्ट है ये. तो इसको अगर सीखना चाहते हो, पास होना तो चलो पास आजकल तो हर कोई हो रहा है ना, सीखने में टाइम लगेगा. सो डेंसिटी ऑफ वाटर यार 1000 kg/m³. अब इसकी फीलिंग कैसे आएगी ये भी देखो. 1 m³ का एक टैंक बनाओ. 1 m³ मतलब 1 m लंबा, 1 m चौड़ा और 1 m ऊंचा. 1 m लेंथ है, 1 m ब्रेथ है और 1 m हाई है. तो 1 m³ का अगर कोई टैंक बना रहे हो, उसमें पानी भरो, तो कितना पानी आएगा, मन से पूछो अपने. 1000 kg पानी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई. 1 m लंबा, 1 m चौड़ा और 1 m ऊंचा, मतलब करीब इतना बड़ा टैंक और इतनी ही हाइट का टैंक और इतनी ही ब्रेथ का टैंक चौड़ा, तो कितना पानी आएगा. 1000 l तो आएगा ना, 1000 kg. सो पानी की डेंसिटी क्या हुई, मास अपॉन वॉल्यूम, 1000 kg/m³. डन, समझ में आ गया. सो ये पानी की डेंसिटी हुई. सो दिस इज डायमेंशन, कांस्टेंट विद डायमेंशन. अब बात करते हैं कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन. कांस्टेंट तो है और डायमेंशन नहीं है, अभी बताया था क्या. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फिक्स है. पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्या कोई यूनिट है, नहीं है. पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है. लिखो कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो दिस इज कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन. लिख लो एग्जांपल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केमिस्ट्री की क्लास 3 से लेके 5 बजे तक लगती है भाई. कितना टाइम है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्लास कितने बजे लगी है, 3 to 5 लगती है बच्चों केमिस्ट्री की क्लास. तो आप लोग बैठ सकते हो, ठीक है ना, बैठ के देखो, प्रॉब्लम नहीं होगी. चलो क्या, सो कांस्टेंट विद डायमेंशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया,
कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलो एक और सोचो, कॉन्स्टेंट विदाउट, कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन मैंने बता दिया, रिफ्लेक्टिव सॉरी विदाउट डायमेंशन था, ये विदाउट है। इधर तो क्या चला दिया मैंने, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे, चलो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट विद है और यहाँ पे लिख लो विदाउट, उल्टे हो गए, ऐसा होना था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक कोई और बता दो मेरे को, कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन। सोचो कॉन्स्टेंट हो और डायमेंशन ना हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक कॉन्स्टेंट है और नंबर की डायमेंशन नहीं होती, चलेगा भाई बिल्कुल चलेगा। तो लिख लो भाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये कॉन्स्टेंट है, सबका फिक्स है, सबका फिक्स है और विदाउट डायमेंशन एटॉमिक नंबर। एक और अच्छा एग्जांपल लिखो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी लिखिए, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करी, रिलेटिव डेंसिटी बहुत यूज है अपनी लाइफ में, बहुत जबरदस्त यूज है रिलेटिव डेंसिटी का। हर दिन हम लोग मिल्क लेते हैं और शिकायत करते हैं मिल्क सेलर से, दूध बहुत पतला आया, दूध बहुत पतला आया, दूध कभी शायद बोला हो दूध बहुत गाढ़ा आ गया भैया आज तो, है ना। रिलेटिव डेंसिटी, सो रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हाँ लिखिए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कॉन्स्टेंट है, क्यों है कॉन्स्टेंट, आपने मिल्क की रिलेटिव डेंसिटी निकाली, वो वही की वही रहेगी जो फिक्स होती है, हर चीज की रिलेटिव डेंसिटी फिक्स है, हर एक चीज की रिलेटिव डेंसिटी फिक्स है कि इतनी होती है। हाँ वहां पे इसका यूज है रिलेटिव डेंसिटी, बेटा कि यूनिट की बात करोगे इसकी डेंसिटी की, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक ऊपर भी आएगी और किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक नीचे भी आएगी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक से किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक कैंसिल, तो क्या है इसमें कोई यूनिट आएगी क्या, नो। तो क्या है ये है कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन, नोट कर लो भाई कॉन्स्टेंट विदाउट डायमेंशन, ठीक है। रिलेटिव मास ऑफ एटम, ये थे शायद केमिस्ट्री का ये टॉपिक है रिलेटिव मास, है ना, तो मैं इसके बारे में कुछ, क्योंकि वो यूनिटी अलग डिपार्टमेंट की हो गई, सो आई थिंक रिलेटिव मास वगैरह वो कुछ वाटर वेपर का कंसेप्ट वगैरह होता है, वेपर वगैरह से निकाली जाती है, भूल गया मुझे, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो केमिस्ट्री एक अलग चीज है ना। रिलेटिव डेंसिटी लिख लो बच्चों, ये तो फिक्स है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये क्या समझे, आपको अपनी भी अगर डेंसिटी निकालनी है रिलेटिव, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, वाटर के रिस्पेक्ट में। कोई चीज कह रहे ना बहुत भारी है, तो फिजिक्स कहती है कोई चीज बहुत भारी है तो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। कोई चीज हल्की है तो किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ, आइसक्रीम देखी आप लोगों ने 100 ग्राम की, आइसक्रीम जो होती है 100 ग्राम नहीं होती, 100 ml होती है, आइसक्रीम का जो कप आता है ना वो 100 ml होता है, अगर उसी 100 ml में आप 100 ग्राम आइसक्रीम डालोगे तो आपको ऐसे चार कप लगेंगे, कितने कप लगेंगे, चार कप्स लगेंगे। मैं क्या कह रहा हूं बात को पकड़ो, आइसक्रीम का जो कप आता है वो बच्चों वो 100 ml का आता है, जो 20 रुपीज वाला कप आता है उसमें 100 ml आइसक्रीम होती है, ठीक है, तो 100 ml आइसक्रीम है, और अगर उसका ग्राम में वेट करोगे तो ग्राम में होगी वो कितनी, लगभग 20 ग्राम, कितने ग्राम होगी, 20 ग्राम। अब आप सोचो अगर उस आइसक्रीम के कप में अगर आपको 100 ग्राम आइसक्रीम भरनी है तो कितने बार आइसक्रीम के स्कूप डालने पड़ेंगे, 5 बार, क्योंकि 20 ग्राम बन रहा है एक 100 ml केक पर, तो 25 100 ग्राम बनेगा,
हंड्रेड फाइव जा 500 ml के इक्वल। इसीलिए आइसक्रीम दिखने में बहुत ज्यादा होती है मगर पानी से भी बहुत हल्की होती है, समझ गए? इसलिए आइसक्रीम का वेट बहुत कम होता है क्योंकि आइसक्रीम की रिलेटिव डेंसिटी बहुत कम है, समझ गए बच्चों? आइसक्रीम की रिलेटिव डेंसिटी जो है क्या है, वो बहुत कम है। क्लियर हुआ? तो ये रिलेटिव डेंसिटी का थोड़ा बहुत यूज है। अब मुझे ये बताओ कि इतना मैंने पढ़ाया, इसमें बच्चों तुमको क्या और सीखना है, इसमें क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बताओ? बोलो क्रिश, आपको क्लियर सब कुछ? सब कुछ क्लियर? यस सर। हाँ बेटा बता क्या नहीं आया समझ में? हरी आंचल क्लियर है सब कुछ? यस सर। चलो ठीक है, तो रफ करते हैं। अब बच्चों जल्दी से पीडीएफ ओपन, जो पीडीएफ फाइल दी है उसको ओपन कर लो, और सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कांस्टेंट, ठीक है ना? फिजिकल कांस्टेंट में ये तो देखेंगे तब पता चलेगा कि सारे यूनिट वाले हैं या विदाउट यूनिट वाले हैं। फिजिकल कांस्टेंट की बात करते हैं। बेटा नहीं रखे हो आप सेल मोबाइल, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, फिजिकल कांस्टेंट में हमारे पास जो कांस्टेंट है, सबसे पहला कांस्टेंट है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं कांस्टेंट लिख देता हूं। अब आप कहेंगे सर इनका यूज क्या है? बेटा देखो, फिजिक्स पढ़ते 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 ये कांस्टेंट आपको याद हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ ईयर आपको ये सारे कांस्टेंट याद हो जाएंगे। जैसे आपको पाई की वैल्यू याद हो गई ना, 22/7, पाई तो बात करना भूल ही गए। पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। बोलो कैसा कांस्टेंट है? कांस्टेंट तो मैंने खुद ही बता दिया, मुझे पूछना था पाई है क्या, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू कभी नहीं बदलेगी पाई की, 22/7 ही है ना। अब दूसरी चीज, विद डायमेंशन है कि विदाउट डायमेंशन है? विदाउट डायमेंशन। पाई की कोई, ऑब्वियसली विदाउट डायमेंशन है, पाई की कोई डायमेंशन तो है नहीं, कोई यूनिट है क्या पाई की? पाई किलोग्राम में तो नापते नहीं ना अपन। तो जहां कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन लिखा वहां लिख लो पाई, पाई 22/7। हाँ बेटा बिल्कुल सही, वेरी गुड। साइन थीटा कांस्टेंट, लो भाई अच्छी बात बताई। देखो आइडियाज आते हैं ना तो बड़ा मदद मिलती है टीचर को। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन 30। अब देखो अगर साइन 30 बोलोगे तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हमेशा 1/2 आएगी और इसकी कोई यूनिट नहीं है मेरे भाई, इसकी कोई यूनिट नहीं है। मगर अगर तुम मुझे बोलोगे साइन थीटा, तो बेटा ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल की नहीं है? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 भी हो सकती है, यार कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा जैसा दोगे वैसा आपको आंसर मिलेगा, तो साइन थीटा कुछ भी हो सकता है, तो साइन थीटा एक वेरिएबल है। हाँ ये जरूर है कि ये कैसा वेरिएबल है, विद डायमेंशन या विदाउट डायमेंशन? विदाउट डायमेंशन, डायमेंशन लेस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन बी, ना ना पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भी सेंटीमीटर में, हाइपोटेनस भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी डायमेंशन नहीं। तो बच्चों लिखो, कहां लिखोगे? वेरिएबल विदाउट डायमेंशन में लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। आइडियाज दो, पूछो, अच्छा लगता है बातचीत होती रहे फिजिक्स में, तो फिजिक्स आसान रहेगी, है ना? वेरिएबल विदाउट डायमेंशन, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन या वेरिएबल विदाउट यूनिट लिख लो, है ना? इन सबको क्या बोलते हैं, पूरी साइन कॉस थीटा वाली फैमिली को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लिखना चाहें तो लिख लें, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज डायमेंशन लेस वेरिएबल। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे अपने अपने कॉन्स्टेंट की,
आइए कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है दो चार लिखेंगे, बाकी सब सुन लेना और वो नोट्स में से नोट कर लेना कुछ, क्योंकि यार इतने सारे कांस्टेंट है, 50-60 कांस्टेंट है, इन अ सिंगल क्लास पॉसिबल नहीं कि मैं आपको रटवाऊं, और रटना तो मूर्खता का काम है भाई, रटना कुछ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना। टाइम देते रहना, जैसे पाई आपको अपने आप याद हो गया, ऐसे ये भी सारे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME लिख लो भाई, मैमी 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। फिजिक्स में कम यूज होगा, केमिस्ट्री में इतना यूज करोगे कि याद हो जाएगा, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास बच्चों 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अरे ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास चल रही है, ज्वाइन कर लें बाकी लोग। यस सर। 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास बच्चों 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो क्या लॉजिक बन रहा है बच्चों कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्यों रियलाइज हो रहा, नहीं हो रहा क्यों बेटा, रियलाइज हो रहा है मास ऑफ प्रोटॉन मास न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है ना। तो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या है, दोनों इक्वल, ठीक है ना। और देखो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा भारी है, क्यों, क्योंकि ये 10⁻³ है और ये 10⁻ कितना, −27, तो 31 तो छोटा होगा ना मास में, नेगेटिव पावर लगी हुई है तो 10⁻³ छोटा होगा, 10⁻²⁷ ज्यादा होगा, समझ गए। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हैवी है और कहाँ बैठते हैं, न्यूक्लियस पे, इसीलिए पूरा का पूरा जो मास होता है एटम का किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे, होल मास ऑफ द एटम डिपेंड ऑन इट्स न्यूक्लियस। तो बातों बातों में मुझे एक बात और याद आ गई कि बच्चों लिखो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के मास जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितने गुना होता है, 1840 गुना। नोट कर लो, द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के मास का। इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना, इट इज 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नोट करो, दिस इज कॉल्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है तो इसका चार्ज भी नेगेटिव होगा, सो −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देखो सब में यूनिट आ रही है तो सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है विद डायमेंशन। अगला लिखिए स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, this is called speed of light. Speed of light equal to 3 × 10⁸ meter per second. Next, Planck constant. लिखिए Planck constant. अब ये नया constant है आपकी जिंदगी में, Planck constant. इसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लिखो Planck constant H. Planck constant H. H 6.625 या 6.6 ही रहने दो × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ये जूल डैश सेकंड का मतलब होता है जूल मल्टीप्लाई सेकंड, डैश का मतलब फिजिक्स में होता है मल्टीप्लाई, बट लगाया नहीं जाता मल्टीप्लाई, मैं से नहीं लिखा जाता, डैश करके ही लिखा जाता है, दो यूनिट के बीच में डैश चलता है, दो यूनिट के बीच में डैश चलता है, हैं? दो यूनिट के बीच में हमेशा डैश चलेगा।
लगा दिया ऐसा होता नहीं है, या तो कुछ ना लगाओ तो सही है, जूल डैश सेकेंड, ठीक है ना, गड़बड़ कर दिए। चलो अगला, तो ये हो गया h इक्वल टू 6.624 इंटू 10^-34। नेक्स्ट लिखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, चलो चेक कर लू मैं, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बिल्कुल सही है भाई, लिख लो ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अगला अगला लिखो अवगद्रो नंबर, अवगद्रो नंबर, अवगद्रो नंबर क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कैसा है, विद डायमेंशन विदाउट डायमेंशन, विद डायमेंशन, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी डायमेंशन होती है अवगद्रो नंबर। अब अवगद्रो नंबर क्या है, शायद आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा, है ना, एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अवगद्रो नंबर। तो लिख लो अवगद्रो नंबर 6.023, इसको किससे शो करते हैं बच्चों, कैपिटल एन ए, अवगद्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23, नोट करिए पर मोल, पर मोल को क्या लिखा जाता है, मोल इनवर्स। सो अवगद्रो नंबर इक्वल टू 6.023 इंटू 10^-34। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Okay. अवगद्रो नंबर के बाद अगले कांस्टेंट है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, छोड़ दो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, छोड़ दीजिए वीन्स स्टीफन कांस्टेंट, छोड़ दीजिए, देखो मैं छोड़ दीजिए का मतलब अभी इन पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, जब इनके चैप्टर आएंगे तब हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, मतलब फिजिक्स आप पहली बार फिजिक्स में कदम रख रहे हैं तो फिजिक्स में आपके 16 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में मैं आपको कम से कम 5 नए कांस्टेंट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, 5 नए कांस्टेंट से, तो जरूरी नहीं है कि उनको जाने बिना पढ़ लो यहीं पर, जब अपन जानेंगे उनको कि भैया तुम क्यों आए हुए हो तब अपन पता लगा लेंगे, जैसे पहली बार आपके सामने आया था कॉन्स्टेंट रजिस्टेंस इक्वल्स, ऐसे आया था ना, रजिस्टेंस ने कैसे एंट्री मारी थी आपकी जिंदगी में, V proportional to I, तो V equals to R I, ऐसे ही मार दी ना एंट्री, और आपने बोला था here R is constant of proportionality, याद आया, R is called constant of proportionality, तो R क्या है यहाँ पर, R कैसा constant, R क्या है मुझे ये बताओ, variable है कि constant है, बिल्कुल सही, बोलो बाकी लोग बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे बोले आर क्या है सोच के बोल, अच्छा कांस्टेंट बोल दिया, वेरिएबल, देखो भाई अगर कांस्टेंट होता आर जो है, आर का वैल्यू जो है अलग अलग मटेरियल के लिए, आर की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग, आर की वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होती है, अलग अलग, ठीक ना, मगर एक मिनट यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, देखिए इसको थोड़ा ऐसे सोचने की जरूरत है कि हम कहीं गलती ना कर दें कि हम कांस्टेंट को वेरिएबल बोल दें और वेरिएबल को हम कांस्टेंट बोल दें, जैसे आयरन की मैं बात करूं तो आयरन का रेजिस्टेंस आज जो है कल वही रहेगा, सुन रहे हो बेटा, समझना इस चीज को, आयरन का जो रेजिस्टेंस है जो आज है कल वही रहेगा, बट आपकी वेलोसिटी जो आज है वो कल नहीं रहेगी, समझ रहे हो, तो आयरन का रेजिस्टेंस जो आज है वो कल वही रहेगा, बट आपकी वेलोसिटी जो आज है वो कल नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आर जो है आयरन के लिए तो फिक्स है ना, हर मटेरियल के फिक्स है, तो आर यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही है, आर यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट, समझ गए ना, आर की वैल्यू बदलेगी, मटेरियल टू मटेरियल बदलेगी ना, आयरन की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी, अब आप ऐसे थोड़ा ना सोच रहे हो, सोच सकते हो कि भाई आयरन की ये है कॉपर की वो है इसलिए ये वेरिएबल है, नो ऐसे नहीं, ऐसे सोचो कि आयरन की आज ये है तो क्या आयरन की बदल गई, अगर आयरन की बदल गई होती तो फिर हम मानते कि ये वेरिएबल है, बट आयरन की जो आज है वो भी कल वही रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो लिखो आर इज क्या है, कॉन्स्टेंट है ना विद डायमेंशन,
कॉन्स्टेंट विद डायमेंशन. लिख लो आर को. अब दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखो, आर को एज ए वेरिएबल ट्रीट कैसे कर सकते हो. एक तो ये था कि जब आर को आप बिल्कुल कोई मटेरियल को हाथ वाथ नहीं लगा रहे हो तब के लिए आर कांस्टेंट है. बट दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखो, एक तार है, ये वायर है, इसको तुम पकड़ करके खींच रहे हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर इज प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए. तो मतलब एल बढ़ने के साथ आर बदलेगा. वायर एक ही है मगर खींचोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, और उसको सिकोड़ोगे तो रेजिस्टेंस घटेगा. तो यहां पर आर इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फील होगा, वेरिएबल, एज अ वेरिएबल, क्योंकि यहां पर आर जो है वो बदल रहा है. तो याद कीजिए ओम्स लॉ की पहली शर्त क्या होती थी, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, थी ओम्स लॉ की कंडीशन. क्यों भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो. यस सर, टेम्परेचर, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, मास, एरिया, इन सब में अगर कोई बदलाव ना किया जाए दैट टाइम वी प्रोपोर्शनल टू आई, और उस समय आपका आर कांस्टेंट होता था. याद आया, याद आया नहीं आया, आ गया, ठीक है. तो उस समय आर, तो थोड़ा सा यहाँ पे फिजिक्स में आपको जागते रहना है कि कहाँ पर किसको वेरिएबल इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कांस्टेंट इस्तेमाल करना है. तो आप लिख लीजिए कि R may be work as variable also. लिखो R can work as variable also. तो R जो as a variable भी use होगा, क्योंकि अगर आप बदल रहे हो, situations बदल रही हैं, तो R वहां पे as a variable use होगा. ठीक है ना. हाँ, अगर आप कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हो, R वहां पे एज अ कॉन्स्टेंट यूज होगा. चलिए, तो ये हो गया हमारा एक और कॉन्स्टेंट पे हमने डिस्कस कर लिया. और आइए कॉन्स्टेंट डिस्कस करते हैं. वीन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट छोड़ दो, सोलर कॉन्स्टेंट छोड़ दीजिए, मास ऑफ सन नोट कर लो भाई. मास ऑफ सन कितना है, 2 × 10⁻³० किलोग्राम. चैप्टर नंबर 1 में यही कॉन्स्टेंट भरे हुए हैं. चैप्टर नंबर 1 बेसिक फिजिकल, फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका, चैप्टर नंबर 1 में फिजिकल वर्ल्ड है, उससे 3 marks का आना है बच्चों. चैप्टर नंबर 1 नोट करिए, एग्जाम में 3 questions आएंगे 1-1 marks के ऑब्जेक्टिव फिजिकल वर्ल्ड से. अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, मास ऑफ सन क्या है, मास ऑफ सन क्या है. चार ऑप्शन दे देगा, 10⁸, 10⁰, 10⁹, 10⁹. तो जो बच्चा रट के गया होगा कि भाई मास ऑफ सन जो है वो है 2 × 10⁰ किलोग्राम, वो सही लगा करके आ जाएगा. तो ऐसे 3 objective आने हैं चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है ना. और कैसे क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर से, पूछा जाएगा कि रमन इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी, और 4 scientists के नाम दे देगा, ठीक है ना. सुब्रमण्यम वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना, सूर्यपल्ली वेंकट रमन, और कोई और वेंकट रमन, या कोई कंफ्यूजिंग नाम दे दिए. तो आपको पता है सीवी रमन, तो अब चंद्रशेखर दिया, चलो चंद्रशेखर वेंकट रमन इज फुल नेम. तो आपको याद करना पड़ेगा कौन से साइंटिस्ट ने, खासकर इंडियन साइंटिस्ट जो है, इंडियन फिजिक्स ने कौन सी खोज करी. तो उस चैप्टर को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, उसमें से केवल यही आने हैं. तो आपकी जो बुक है उसमें लिखे हुए हैं वो नाम वगैरह, है ना. यस, चलिए वो हो गया. अगले बात करते हैं बच्चों, लिखो रेडियस ऑफ अर्थ. देखिए रेडियस ऑफ अर्थ, अगला कांस्टेंट रेडियस ऑफ अर्थ. सोचिए अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर. द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर को मीटर में लिखने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर को, ये अपने पास 6400 किलोमीटर है. अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो 6400 × 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000. ओके, तो कितना बन गया, 64, 3020.
10 की पावर 5 मीटर, नोट करिए 64 मीटर। हाँ बेटा मैंने क्या लिखा है 64, उसने क्या लिखा है 6.4। चलो ठीक है ना, तो डेसिमल का कमाल 64 को कर लो 6.4, एक डेसिमल पीछे आएगा तो एक 10 इधर छोड़ेगा, तो इंटू 10 की पावर 5 थे तो कितना हो गया 6। नोट करो 6.4 इंटू 10 की पावर 4, 6 मीटर। हाँ भाई ऑनलाइन आर्मी क्लियर है सब? यस सर। ओके 64, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब यार 10 की पावर 6 मीटर को मालूम फिजिक्स में कुछ बनाए गए हैं, आप लोग मेमोरी लेने जाते हो ना मोबाइल की, मास्टर कार्ड माइक्रो कार्ड, भैया 125 जीबी का माइक्रो कार्ड दे दो, इसकी मेमोरी कितनी है मोबाइल में पता करते हो ना, तो क्या बोलता है इसकी रैम जो है 4 जीबी है, रैम कितनी है 4 जीबी। सो व्हाट इज जीबी, गीगाबाइट। तो यार ये गीगा क्या है, गीगा इज द प्रेफिक्स है बेटा, फिजिक्स में प्रेफिक्स यूज होता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी के लिए, सो दैट इज कॉल्ड गीगा। गीगा मतलब बेटा 10 की पावर 9, गीगा मतलब 10 की पावर 9, समझ गए ना, गीगा बड़ा प्रेफिक्स है, और इसका उल्टा अगर कर दोगे छोटा 10 की पावर -9, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड नैनो, नैनो, नैनो मतलब बहुत छोटा, गीगा मतलब भाई बहुत बड़ा, इसलिए कोई बताएगा मुझे 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा, क्या बोलते हैं मेगा, तो 10 की पावर 6 को बोलते हैं मेगा। तो अगर आप इसको देखें 10 की पावर 6 मीटर, अगर आपको इसको हटाना हो तो आप लिख सकते हैं 6.4 मेगा मीटर, नोट कर लो 6.4 मेगा मीटर। जैसे 10 की पावर 3 को किससे हटाते हो, किलो से, 10 की पावर 3 को अपन किससे हटाते हैं किलो से, ऐसे 10 की पावर 6 को किससे रिप्लेस करेंगे मेगा से, नोट करिए 10 की पावर 6 मतलब मेगा। क्रिश क्लियर है? यस सर। सो दिस इज अगला लिखो, डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी 5.2 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, 5.2 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक डेंसिटी ऑफ अर्थ। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ 7.29 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड, 7.29 एंगुलर वेलोसिटी, अर्थ कितने गोल गोल घूम रही ना, तो उसके गोल गोल घूमने की वेलोसिटी, जैसे पंखा गोल गोल घूमता है ना, तो गोल गोल घूमने की वेलोसिटी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, किससे डिनोट करते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू एंगल पर यूनिट सेकेंड, एंगल पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ एंगल पर यूनिट टाइम। एक होती थी ना आपने पढ़ी थी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी आ गई एंगुलर वेलोसिटी, एंगल पर यूनिट टाइम। एंगल किसमें नापा जाता बच्चों, रेडियन में, और टाइम किस में नापा जाता है सेकेंड में, सो इट बिकम्स रेडियन पर यूनिट सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर यूनिट सेकेंड। मानवी गुड इवनिंग बेटा, बता ही नहीं तुम जुड़ गई, कोई भाई अक्षत नहीं आया अभी, मानवी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग कर दिया करो जो जो जुड़े हैं बच्चों, चलो ओके। सो एंगल, एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की, पीडीएफ डली हुई है ग्रुप में देख लो भाई, है ना, ग्रुप से पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कितनी है 7.29 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। चलो अगला लिखो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच की दूरी, सन और अर्थ के बीच की दूरी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अगला डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून,
384,000 मीटर. ओके 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर. दैट्स इट यार, काफी है. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अर्थ यूजलेस, कोई काम का नहीं है. इतने जितने मैंने पढ़ाए भाई इतने आ सकते हैं. बताओ इनमें कोई दिक्कत, इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. चलो ठीक है, क्लियर है. चलो अब लिखो बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट. अगली हेडिंग डालिए बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट. प्रैक्टिकल यूनिट. अब प्रैक्टिकल यूनिट का यूज क्या है ये समझो. प्रैक्टिकल यूनिट या उसी को लिख लो बच्चों कन्वर्जन कोफिशियंट. मेरी शीट में उसको लिखा है कन्वर्जन कोफिशियंट. कन्वर्जन कोफिशियंट. बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ओम. ओम भाई मुझे ये बताओ तुम्हारा वेट कितना है? 50. ओम ने बताया कि उनका वेट है 50 लीटर. 50 लीटर कितना बोले? 50 मीटर. वेट है 50 मीटर. एम आई राइट? कितना है वेट? नो सर. 50 मीटर पर सेकेंड. 50 केजी. ओके ठीक है. एग्जैक्टली भाई. चलो जानकारी है बहुत अच्छी, बिल्कुल सही. चलिए भाई तो ज्यादातर लोगों से पूछोगे वेट क्या है तो बोलेंगे हम तो 50 किलोग्राम के हैं, वही हमारा वेट है 50 केजी. तो भैया ये गलत है. पहली चीज वेट किलोग्राम में मेजर नहीं किया जाता. वेट किसमें मेजर किया जाता है? न्यूटन में. वेट किसमें मेजर किया जाता है? न्यूटन में. वेट नहीं है ये आपका मास हो सकता है. किलोग्राम में किसको मेजर किया जाता है? मास को. किलोग्राम में किसको मेजर करते हैं? मास को. अगर आपको एक्चुअली आपका वेट बताना है तो आप बताइए कि जो मेरा वेट है वो है 50 kgf. 50 kgf जो वेट की यूनिट है उसका नाम है 50 kg force. 50 kg force समझ रहे हो? 50 किलोग्राम फोर्स वेट की यूनिट है. और इसी को मिला करके बाद में ये समथिंग न्यूटन बनेगा. मतलब कुछ न्यूटन बनेगा. समझ गए? कुछ न्यूटन. अब कितना न्यूटन बनेगा इतने में 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो. तो आपका वेट आपको निकालना है तो जो आपका मास आया है उसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 9.8 का. क्यों कर दो? सवाल है क्यों कर दो? तो बच्चों वेट का फॉर्मूला नोट करो. वेट का फॉर्मूला आप सब पढ़ के आए हो कि वेट इक्वल टू होता है mg. तो आपका मास आया 50 में g का मतलब 9.8 तो राउंड ऑफ करके कौन मेहनत करे बोर्ड पे. तो g की वैल्यू 10 ले लो बच्चों. तो आंसर लिखो 500 न्यूटन. वेट इक्वल्स टू 500 न्यूटन. समझ में आया? तो ये है वेट. तो मैंने आपसे पूछा कि आपका मास कितना है. चलो वेट हटाओ, आपका मास कितना है? तो आप बोलोगे सर 50 किलोग्राम. कितना मास है? 50 किलोग्राम. 50 किलोग्राम आपने बताया कि मेरा मास है. चलो मास को छोड़ो, हाइट पे आ जाओ. बेटा मैं आपसे हाइट पूछूंगा तो आप बोलोगे हाइट कितनी है? तो आप बोलोगे सर 6 feet एंड 3 inches. 4 inches कुछ होगी आपकी, 6 by 2 होगी. ओके चलिए 6 feet 2 inches आपकी हाइट है. 6 feet and 2 inches. ठीक है. अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सेंटीमीटर में कितनी है तो मे बी अराउंड सेंटीमीटर में 187 cm. ओके 187 cm आपने सेंटीमीटर में अराउंड लिख दी. अब फीलिंग करो, अगर मैं इस डिस्टेंस को सेंटीमीटर को किसमें लिखूं? लाइट ईयर में. किसमें लिखूं? लाइट ईयर में. मतलब ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस करूं तो क्या आएगा मालूम आंसर? 0.00000 समथिंग और कुछ लाइट ईयर. क्योंकि लाइट ईयर जो मेजर करना है
वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में लाइट ईयर में ये चीज बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम है। एक और एग्जांपल देता हूं, सोने चांदी की चीजें खरीदने के लिए जब हम मेजर करते हैं, वो पैन जो होता है हल्का सा, उसकी मैक्सिमम वेइंग कैपेसिटी कितनी होती है? 250 ग्राम। कितनी होती है? 250 ग्राम, ठीक है ना। अब उस 250 ग्राम वाले पैन में आप कहो कि हम अपना पालतू हाथी तुलवा लें, क्या वो मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, हाथी को तौलने वाले पैन में मैं अपने कान की बाली टेस्ट करूं कि कितने की है, तो क्या उसका वेट शो करेगा कांटा? नहीं करेगा। टस से मस नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर हमें जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल यूनिट की। इसकी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल यूनिट की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी जो सेल्स होती हैं उनकी साइज क्या होती है सेल्स की? तो आप बोलोगे सर बहुत कम होती है। मैं बोलूंगा बहुत कम का मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर। बोलोगे नहीं सर, 1 सेंटीमीटर तो नहीं होती है। बोलूंगा कितना होती है? बोले और कम करते जाओ सर। बोले इतना? बोले नहीं सर और कम करो। बोले और कम करो। बोले और कम करो सर। मतलब मैंने क्या कर दिया? मतलब मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर और अपॉन कितना? 10 की पावर 4। बोलो यस, 1 सेंटीमीटर और 10 की पावर 4। अब इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलो, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? क्लिक हो तो बोलना, 100 मीटर होंगे, 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100। तो यहां मैंने 1/100 रखा और 10 की पावर 4, तो बच्चों बन गया 10 की पावर कितना? अपॉन में 6, और 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर हुआ? 10 की पावर -6 मीटर। इस छोटी सी डिस्टेंस को बोलते हैं माइक्रोन। क्या बोलते हैं? माइक्रोन। समझ में आया? माइक्रोन बोलते हैं इस छोटी सी डिस्टेंस को, माइक्रोन बोलते हैं। तो अब इस चीज को समझिए, इस छोटी सी डिस्टेंस को माइक्रोन बोलते हैं। आप पॉलीथीन लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है आजकल कि पॉलीथीन की जो साइज है इतने माइक्रोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उतने माइक्रोन से पॉलीथीन की साइज ज्यादा हो गई तो वो पॉलीथीन किसी हालत में डिस्पोजेबल होएगा ही नहीं, खराब ही नहीं होगा, और जिस जमीन के अंदर जाएगा उसको बंजर कर देगा, समझ रहे हो? उसकी फर्टिलिटी खत्म कर देगा वहां पर, क्योंकि उसके उस पॉलीथीन के मटेरियल आने से पानी का आर पार होना बंद हो जाएगा, पानी जा ही नहीं पाएगा, ना नीचे का पानी ऊपर आएगा और ना ही ऊपर का पानी नीचे जाएगा, तो वहां की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? ऑल टोटल खत्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये, तो हमको किन चीजों की जरूरत है? आपको यहां से जाना है मंगल ग्रह में, मार्स में, अपने जाने की डिस्टेंस किस में नापोगे? इंच में, मीटर में, किलोमीटर में? अगर इंच में नापे तो बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते, बोले कितना चले? बोले 26 करोड़ और 25 बार करोड़ इंच। मतलब सर जी लगाए पड़े हैं जीरो इंच में बताने के लिए कि हमारे दोस्त ओम गए हुए हैं मंगल और कितना दूर चले गए हैं, इतने इंच चलते गए हैं, लिखे जा रहे हैं। पता चला दोस्त मंगल से वापस आ गए और हमारी गिनती पूरी नहीं हुई। एक तरीका तो ये है भाई, किलोमीटर में लिखोगे, इंच में लिखोगे तो गए काम से, उम्र ही खत्म हो जाएगी। मीटर गड़बड़ है, किलोमीटर गड़बड़ है। यार आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में, मंगल की दूरी हम लोग लाइट ईयर में बताते हैं, इतने लाइट ईयर हमसे प्लैनेट्स हैं। स्टार की दूरी हम किस में बताते हैं? लाइट ईयर में। तो ये सारे की सारी है क्या? प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या है यूनिट? ये प्रैक्टिकल यूनिट। कुछ यूज होती है बहुत छोटे के लिए और कुछ यूज होती है बहुत बड़े के लिए। सो दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट। तो आइए लिखिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट। लिखो पहली, वन लाइट ईयर। वन लाइट ईयर
9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। बेटा लिखते भी जाओ, देख रही हो ना, लिखते भी जाओ, जल्दी याद होगा, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। देखो, वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, देख रहे हो, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। अब चाहो तो मीटर को किलोमीटर में बदल लो, 30 डिसॉल्व कर दोगे ना 1000 मीटर, तो वो बन जाएगा, लो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, 12 × 3 = 15 किलोमीटर, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 9.46 इंटू 10 की पावर किलोमीटर। लिखो नेक्स्ट, वन एस्ट्रोनॉमिकल एयू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एयू, सूर्य से लेके अर्थ तक की दूरी, वही है 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो लिखो, सूर्य से लेके अर्थ तक की दूरी वन एयू इक्वल टू 1.496, वही जो ऊपर लिखवाई थी, क्या बोलते हैं उसको, सोलर कांस्टेंट, सोलर डिस्टेंस, है ना, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। बेटा ध्यान से देखो, ऊपर मैंने लिखवाई है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ध्यान से देखो, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ऊपर भी लिखवाई है, है ना, इसी को बोलते हैं एयू, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में आपसे, ऑब्जेक्टिव में, कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और ये कितनी होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको तोड़ दो याद करने के लिए, पहले किलोमीटर में बदलो, किलोमीटर में 3 हट जाएंगे, 1.5, 3 गए तो 10 की पावर 8 किलोमीटर। चलो ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, 8 लगाना, 1 कैंसिल, 10 से हट गए 7 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 काउंट करो, यूनिट टेंस, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ओके, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हाँ जी सही है, 15 करोड़, आंसर लिख लो, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़, मैंने ऐसे याद कर रखा है, 15 करोड़ किलोमीटर है सन, ठीक है ना, 14.9 करोड़, मतलब 15 करोड़। चलिए अगला, अगला, वन एंगस्ट्रॉम, ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों, लाइट ए डिस्टेंस की, देखो 10 की पावर -10 मीटर, देख रहे हो कितना कम है, 1 मीटर का इतना हिस्सा है ये, इतना, कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 1 मीटर को इतना तोड़ दिया तुमने, तब बनी है वन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, 1 मीटर के 10 पार्ट तोड़ते हो तो डेसीमीटर बनता है, 1 मीटर के 100 पार्ट तोड़ते हो तो सेंटीमीटर बनता है, 1 मीटर के 1000 पार्ट तोड़ते हो तो मिलीमीटर बनता है, सुन रहे हो, 1 मीटर के 1,00,000 पार्ट तोड़ते हो तो माइक्रोन बनता है, क्या बनता है, माइक्रोन, 1 मीटर के 10^9 हिस्से तोड़ते हो बेटा तो बनता है नैनोमीटर, और जब 1 मीटर के 10^10 हिस्से तोड़ोगे तो क्या बनेगा, एंगस्ट्रॉम, क्या बनेगा, एंगस्ट्रॉम। सर इतना पतला कौन है, इतनी पतली लाइट है, लाइट की साइज एंगस्ट्रॉम, समझ गए, सनलाइट का साइज क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, सो द साइज ऑफ द सनलाइट, वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम, विप योर, समझ गए, ये रेड कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग है लेंथ, और ये किसके, वायलेट कलर के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये रेड कलर की वेवलेंथ है 7000 और वायलेट कलर की वेवलेंथ है 4000, समझ गए, और इसके बीच में सारे कलर भरे हुए हैं, नोट करो मजे से, वन एंगस्ट्रॉम। अगला लिखो, पाउंड, 1 पाउंड, 1 पाउंड कितना होता है, केक लेके आते हैं ना पाउंड में अपन, बर्थडे होता है तो केक बनवाते हैं, भाई साहब 1 पाउंड का केक छोटा है, 2 पाउंड का बना देना, है ना, तो 1 पाउंड कितना हुआ करता है बच्चों, लिखो, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम,
453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम, आधे किलो से भी कम होता है। 1 पाउंड जो है हाफ केजी से भी कम होता है, 1 पाउंड है ना, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। अगला लिखिए 1 फर्मी, 1 फर्मी बहुत छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस, लाइट से भी छोटी डिस्टेंस, 1 फर्मी 10^-15 मीटर। सर इसमें क्या नापोगे, इतनी छोटी है, इसमें नापेंगे हम न्यूक्लियर का साइज, एटम का साइज। तो एटम का साइज किसमें नापा जाता, फर्मी में। चलो नोट हो, नोट करो, 1 फर्मी, 1 फर्मी वन फर्मी 10^-15 मीटर। अगला लिखिए 1 CSL, चंद्रशेखर, CSU होगा यार, CSL लिख दिया गलती से, 1 CSL चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU चंद्रशेखर यूनिट, चंद्रशेखर यूनिट, 1 CSU चंद्रशेखर यूनिट, ठीक है ना। अब चंद्रशेखर यूनिट में क्या नापोगे, मास। लिखो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू सन के मास का 1.4 टाइम्स। लिखो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन, 1.4 मास ऑफ सन। हाँ बेटा बोलो, बोलो क्रिश, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कुछ नहीं बोला। ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आ रहा है। हाँ तो लिखो 1 चंद्रशेखर यूनिट इक्वल टू 1.4 टाइम मास ऑफ सन। एक सेकेंड, सुना, एक सेकेंड, एक सेकेंड के 100वें हिस्से को क्या बोलोगे, 1/100, 1/100 सेकेंड। एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा क्या कहलाएगा, मिली सेकेंड, क्या कहलाएगा, मिली सेकेंड। और एक सेकेंड का 10^5, 10^6, 10 लाख, 10^7 करोड़, 10^8, 10 करोड़। मतलब एक सेकेंड का अगर मैं बिलियंथ पार्ट कर दूं, 10 करोड़ हिस्से कर दूं, तो क्या बनेगा, 1/10^8, मतलब 10^-8। बच्चों 10^ कितने हिस्से, -8 सेकेंड। इतने छोटे से सेकेंड को क्या बोलते हैं, शेक, क्या बोलते हैं, शेक। लिखो 1 शेक इक्वल टू 10^-8 सेकेंड, 1 शेक 10^-8 सेकेंड, 1 हॉर्स पावर 10 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर में क्या नापा जाता है, वॉटेज, क्या नापते हैं, वॉटेज। घर में जो मोटर लगी हुई है वो किसकी है, हॉर्स पावर की है, एचपी, पानी खींचने की मोटर लगी ना सबके यहाँ, वो किसमें आती है, हॉर्स पावर में। अगर वाट में नापोगे तो बहुत सारे वाटेज लेने पड़ेंगे, इसलिए हमारे घर में 3 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप लगा हुआ है। तो 3 हॉर्स पावर में कितनी वाट, 3 HP। तो बेटा 3 × 746, लो 3 6 18 3 4 12 13 3 7 21 और 1 22, 2238 वॉट की मोटर मेरे यहाँ लगी है। अब देखो इतना बड़ा वॉट और इतना छोटा हॉर्स पावर, ठीक है ना, इतना HP। अगला लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या नापा जाता है बच्चों, एनर्जी, क्या नापी जाती है, एनर्जी। सर जूल है तो क्यों एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, सर क्यों परेशान कर रहे हो, जूल है तो बेटा एनर्जी का कोई एक फॉर्म नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी आपकी बॉडी में चलती है, जिसको आपने पढ़ा होगा, वो किस फॉर्म में मिलती है, सेल्स को, ATP, याद है बायोलॉजी, किस फॉर्म में मिलती है, ATP, जो सन के सामने ठंड में आप आराम से लेकर के एनर्जी लिया करते हो, धूप लग जाए अच्छे गर्म हो जाए, और जो खाना खा करके आपको एनर्जी मिलती है वो है कैलोरी, क्या है वो, कैलोरी, समझ में आया। साइकिल चलाने में जो एनर्जी आप बर्बाद करते हो वो है जूल, समझ गए ना, क्लियर हुआ, वो है जूल। और जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मोबाइल है, आईपॉड है,
आपके ये जिस एनर्जी पर काम करते हैं ये बहुत छोटी एनर्जी होती है, जूल तो बहुत ज्यादा है, जूल में तो डांस कर जाएंगे एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी एनर्जी जिसमें मेजर की जाती है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। देखो कितना छोटा, 10⁻¹⁹ मरीली एनर्जी एकदम, देखो 10⁻¹⁹, मगर इतनी भी एनर्जी बहुत काम की है, समझ गए? ठीक है ना, इतनी भी एनर्जी जो है ये बहुत काम की है। ये है अपने पास 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल जो एनर्जी है ये बहुत काम की है, नोट कर लो इसको, 1.6 × 10⁻¹⁹। चलिए तो ये टॉपिक था आज की क्लास, यहीं पर फिनिश होती है। ओके, समझ में आ गया? कुछ पूछना है? ठीक है ना, जूल क्यों होती है ये भी देख लो, जरा सा पढ़ के आए हो, एक्चुअली आपने पढ़ा है क्लास टेंथ में, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, पढ़े हो ना, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन रख दो, वी की जगह वोल्ट रख दो, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों बना लो, इस वजह से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, नोट कर लीजिए। थैंक यू। हाँ भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वालों आ गया सर? यस सर। आ गया? यस सर। कौन कौन जुड़ा है, बात कर लें सबसे, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आप लोगों की क्लास का आज का, थोड़ा सा बात कर लें। आंचल क्लियर है एकदम? यस सर क्लियर है। अरे दो आईडी से जुड़ी है आंचल, डबल पढ़ाई करी है। क्रिश क्लियर है? यस सर। मानवी, नेहा? यस सर, बस आधा छूट गया था सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी, डोंट वरी ना, उससे आप ले लेना। परी एंड पिंकी क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। अभी इसके बाद मैथ्स क्लास है, मैथ्स क्लास में आइएगा। मैथ्स की लिंक भिजवा दीजिए। देखी क्लास आपने? सही आ रही थी? नेहा क्यों नहीं आई है ऑफलाइन में? भाभी को भेज दिया, भाभी भी है कि क्लास कर रही है, वो भी आ रहा है, वो ऊपर आ रहा है तुम्हारे पे। हां मम्मी कौन से भैया ने 6 बजे को बोला था ना, वो 6 बजे को बोल रहा है। हां तो नहीं बोला था 6 बजे का। मैम आज 10th की कोई क्लास नहीं लगी? 10th की आज मैम की तबीयत खराब है, वो बायो की लगनी थी, लगी नहीं है। और फिजिक्स की शाम, अभी शाम को भी लगेगी? और मैथ चल रही है? मैथ चल रही है। आ रही है क्या भाभी? हो गया स्टार्ट? हाँ बहुत आवाज आ रही है। भाभी ने दी है कि
लैंडलाइन फोन किया था नहीं उनका फोन यहाँ है तो कोई उठा नहीं रही क्लास चल रही ना नहीं है अभी तक तो जा रहे हैं पीछे का दरवाजे पे कुछ पेड़ क्या वाला वहाँ दरवाजा भी है सीधे देखी नहीं हमने वहाँ कहीं का दरवाजा सीधे नहीं है तो ऐसे टेंपरेरी छत से सुन लगी उसी तक मुझे ऑनलाइन क्लास बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास स्टार्ट नहीं हुई राहुल राजुल सर की हाँ डाले तो हैं देखो मैम जा करके आप देखो ज्वाइन करके बच्चे हमसे कह रहे हैं कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई हाँ पहुंच गई वो एक बच्चा कह रहा है उसकी नहीं नहीं अभी स्टार्ट नहीं हुई तो उसे बाकी लोगों ने जवाब भी दे दिया कि तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो आज हमारे 6 स्टूडेंट जुड़े थे क्लास में आपके इसमें ऑनलाइन में फिजिक्स में अभी 4 और जुड़ेंगे कल परसों से वो क्या है बड़ा हंगामा मचाए थे आज उनकी केमिस्ट्री छूट रही है तो इस चक्कर में अब हम उनको संभालेंगे धीरे धीरे कहेंगे यहीं ज्वाइन करो केमिस्ट्री का है परेशान हो रहा है वो देखते हैं रिमझी मैम ना नहीं तो ओ राधिका मोहरी मैम हाँ Thank you.
मैंने पीडीएफ भेजी है ना, हाँ सेट की, सेट थ्योरी की ग्रुप में भेजी है। चेयर छोटी है नहीं है, छोटी सी कोई चेयर, हाँ नहीं नहीं ये मैं नहीं लूंगा एक्चुअली, क्या मैथ है तो क्वेश्चन देके थोड़ा सा अपन स्टे कर जाए ना। चलो कोई नहीं, मंगवा देना, आज काम चला लेंगे, कल देख लेना। मैम इसका पासवर्ड क्या है मोबाइल का? अच्छा आंचल क्लास में हूँ। हेलो यस, हाँ बेटा मैसेज कर दो ग्रुप में, मैथ्स क्लास स्टार्टेड, आ जाएं जो उसको पढ़ना। चलो बच्चों देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नया चैप्टर सेट थ्योरी, पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, स्टार्ट करेंगे। और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है इसी चैप्टर को बोलेंगे हम एलजेब्रा ऑफ सेट। सेट थ्योरी कह लो या एलजेब्रा ऑफ सेट कह लो, मैथ्स की स्टार्ट हो गई अभी, हाँ हो गई। तो अब देखिए एलजेब्रा ऑफ सेट में सबसे पहले जानो, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि हमारे पास कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन सबसे पहले समझिए, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, समूह, झुंड, चीजों का गैदरिंग। ओके चीजों की गैदरिंग को हम क्या बोलते हैं, समूह। कलेक्शन मींस समूह, और यू कैन से झुंड, कुछ चीजें बहुत सारी साथ में है, दैट इज कॉल्ड झुंड गैदरिंग। ओके तो दो तरीके के कलेक्शन है बच्चों, दो तरीके के कलेक्शन, एक है वेल डिफाइंड और दूसरा है नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कलेक्शन है और एक है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है,
वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है इफ ईच या एवरी एलिमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन क्वालिफाई अ गिवन क्राइटेरिया। अब गिवन हो ना गिवन हो बात अलग है, मगर ये क्राइटेरिया आपको समझ में आएगा कि एक एलिमेंट है वो एक निश्चित एक क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। अभी जैसे एग्जांपल करो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नॉट वेल डिफाइंड, ओके, नो क्राइटेरिया डिफाइंड, डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऐसा कलेक्शन जो कि क्वालिफाई करे एक फिक्स क्राइटेरिया को, एग्जांपल एग्जांपल मैं कह रहा हूं आपसे, अ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, इज दिस सेट, इज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ बच्चा जो फेल हो गया है, मे बी वो इंटेलिजेंट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है भाई, फेल होना इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया थोड़ी ना है। इंटेलिजेंसी खुद में कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंसी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी किस फील्ड की इंटेलिजेंसी, यस और नो? सो द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, इट्स अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इट्स अ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन इंडिया, नॉट वेल डिफाइंड। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई टैलेंटेड क्रिकेटर है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। द टैलेंटेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड राइटर्स इन द कंट्री, नॉट वेल डिफाइंड। ओके, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल गर्ल्स इन द कंट्री, नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ हैंडसम मैंस, कोई कलेक्शन ये क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो ऐसी चीजें जहां पर क्राइटेरिया नहीं है वो है नॉट वेल डिफाइंड। बट यदि मैं कलेक्शन कह दूं, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर द मार्क्स मोर देन 70% इन द क्लास, यस इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि 70% से ज्यादा मार्क्स करने वाले बच्चे एक क्राइटेरिया क्वालिफाई कर रहे हैं, यस और नो? द कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट हु दे वॉन नोबेल प्राइज, क्वालिफाई कर रहे हैं, बट अगर मैं टैलेंटेड साइंटिस्ट की बात कर दूं तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। समझ में आया? तो दो तरीके के कलेक्शन हुए, एक वेल डिफाइंड और एक नॉट वेल डिफाइंड। बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट। ओके, सो यहां से पहले कलेक्शन की जानकारी मिल गई, अब कलेक्शन की जानकारी के बाद हम बात करेंगे सेट की। तो सेट क्या होते हैं? ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन आर कॉल्ड सेट। नोट करिए, पहले बनाइए इसको और फिर लिखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर कॉल्ड सेट। नोट करो बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर कॉल्ड सेट। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आ गया? वेल डिफाइंड कलेक्शंस आर कॉल्ड सेट। So we have seen the two types of collection, well defined and not well defined, and well defined collections are called set. Ma'am, iski recording chalu hai na? Ma'am, iski recording chalu hai na? Class ki? Okay, so well defined collections are called set. Okay, ठीक है, so well defined collections are called set. चलिए आइए exercise 1.1 आ जाइए, सीधे exercise 1.1 में आइए, book में, बुक एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन।
First question is the collection of all month of a year beginning with letter J. Yeah, is this collection is well defined or not well defined? Yes, speak up. Well defined, very good. The collection of all the month of a year beginning with letter J, it's a well defined collection because they are fixed number of and well defined. July, June, January. Second question, the collection of 10 most talented writers in India, not well defined. Not well defined. Very good. A team of 11 best cricket batsmen in the world. Not well defined. The collection of all boys in your class. Well defined. The collection of all natural number less than 100. Well defined. A criteria na 100 se kam hai. Haan hai. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand. Well defined. Munshi Premchand ki kuch na kuch novels to hai. Criteria defined. A collection of all even integers. Well defined. Why not well defined? Why all even integers hai? So fix hai, pehchan hai. 2, 4, 6, 8, 10. Haan, bahut saare hai. Usse koi matlab nahi, bahut saare hai. Hai na? Qualify to kar rahe hai criteria. So well defined. The collection of question is this chapter. Well defined. Hai na? The collection of question in this chapter. That is well defined. Yes, next. The collection of most dangerous animal in the world. Most dangerous. भाई dangerous तो लगने वाले के ऊपर है. किसी को cockroach खतरनाक लगता है, किसी को सांप नहीं लगता. Depend. है ना? तो कोई criteria नहीं है ये. So ये हो गया अपने पास. Well defined and not well defined. चलिए. So this is set. तो set की definition लिख ली होगी आप लोगों ने. What is set? Set a well defined collection is set to be set. अब लिखिए heading डालिए next. Representation of set. अगला हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. ओके, लेट्स सी हाउ वी रिप्रेजेंट द सेट. ठीक है, ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर. देखो, इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग. ओके, देखो, एक सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये कैपिटल लेटर. जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. तो बच्चों, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखोगे? कैपिटल एन. सो कैपिटल एन गिविंग यू द आइडिया ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. ठीक है, वाई कैपिटल आपकी मर्जी. एन लिखना हो एन लिखो, ए लिखना हो ए लिखो, बट जो भी लिखोगे कैपिटल लिखोगे. अगर आपने स्मॉल ए लिख दिया तो नंबर कट जाएगा. तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स. ठीक है, हाँ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. सेट ऑफ वोवेल्स. सेट ऑफ वोवेल्स. अब यार, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट फिक्स है. अब क्या दोगे? वी दोगे? मन तो वी की तरफ जा रहा है ना. या डब्ल्यू दे दो. क्या दोगे? U, चलो दे दो U दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल देना बस, है ना. सो सेट ऑफ वोवेल्स. सो दिस इज द वे यू कैन गिव द नेम ऑफ एनी सेट. ठीक है, अब ये है सेट का रिप्रेजेंटेशन. पहले सेट को किस नाम से दिया, अब इसको एक्सप्रेस करोगे. इसको एक्सप्रेस करोगे तो जब सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो सेट के अंदर क्या आएंगे? एलिमेंट आएंगे. तो उन एलिमेंट को हमेशा अगर नोटिफाई कर रहे हो तो किससे करोगे? स्मॉल लेटर से. किससे करोगे? स्मॉल लेटर से. ठीक ना. अब सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं. लिखो, देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस एनी सेट. देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस एनी सेट. किसी सेट को दिखाने के, एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस एनी सेट. सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड. रोस्टर फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैबुलर फॉर्म. इट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म. रोस्टर मेथड, टैबुलर मेथड.
okay, it is also called list method. लिस्ट मेथड, लिस्ट फॉर्म, ये सब इसके नाम है ना, अलग अलग बुक से मैंने पढ़ के छाटे हैं, ढूंढे हैं. सो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्ट फॉर्म, जो लिखना हो. एंड सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म. सो पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ सी वॉट इज रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या स्पेशल है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या स्पेशल है, आइए देखते हैं. रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है. जैसे आपके टीचर ने कहा कि बेटा जाओ और स्कूल के बच्चों की लिस्ट बना के ले आओ, है ना, तो आप क्या करते रहे हैं. मैंने भी बहुत लिस्ट बनाई अपने स्कूल टाइम में, है ना, उससे मॉनिटर का चयन होता था. तो टीचर ने हमें दी तो हमने पूरे बच्चों को छाप मारा, 50 के 50 बच्चे एक पेज में लिख करके दे दिए, ठीक ना. और कई बार टीचर अटेंडेंस रजिस्टर बनाना भूल जाते थे, ले लाना भूल जाते थे, तो हमसे बोलते थे कि अटेंडेंस रजिस्टर लाना भूल गए हैं या भर गया है. तो हम लोग क्या करते थे, पहले से ही पेजेस तैयार करके नाम लिख करके रख लिया करते थे कि जब टीचर आएंगे तो उनको दे देंगे, तो अपना बड़ा इंप्रेशन बन जाएगा, हाँ हाँ ये तो बहुत क्लास का अच्छा बच्चा है, पहले ही दे दिया इसने, तो ऐसा करके रखा करते थे. तो उसमें पूरी लिस्ट हम लिख दिया करते थे. सो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो देखो. जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा ए इज वॉट सेट ऑफ वोवेल्स, चलो ए ले लिया हूं, कोई बात नहीं, सेट ऑफ वोवेल्स. तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, ए इक्वल टू सेट लगाने का रूल. अगर सेट लगा है मतलब ये कर्ली ब्रेस लगा होगा, ये सेट की पहचान है, ठीक है ना, सेट की पहचान है. जैसे सिक्योरिटी जो होती है ना, उसकी पहचान होती है, वो वर्दी में होता है, ड्रेस में होता है, हाथ में डंडा होता है, टोपी होती है, ऐसे सेट की पहचान है. पुलिस की पहचान है, डॉक्टर की पहचान है, ऐसे सेट की पहचान है. कर्ली ब्रेस पे शुरू होगा और कर्ली ब्रेस पे फिनिश होगा. और अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो एलिमेंट भर दो ए ई आई ओ यू, यस, सो दिस इज सेट. नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फिक्स काउंटेबल, सो दैट टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ओके, सो हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट आर फिक्स, सो द टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. तो ये अलग से मेरे को पढ़ाना था, बट चलो यहीं पर बता दिया मैंने कि फाइनाइट सेट क्या होता है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में निश्चित हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो, दैट सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ओके, सो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट ए ई आई ओ यू. ओके, नंबर ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट, ये हो गया. अब इसी को मैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं. पहले मैंने क्या बताया, रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, या उसी को लिस्ट मेथड बोलते हैं, मतलब जो एलिमेंट है पूरे के पूरे छाप दो, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब आप किसी चीज को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी चीज को क्या लिख रहे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में, समझ गए. ओके, तो देखो व्हाट इज ए, इज द A is the set of A, E, I, O, U. A is the set of element X. देखो ध्यान से, अब सुनो, बाद में लिखना. A is the set of element X. Where X, इसका मतलब होता है such that. इसका मतलब such that. ये जो मैंने सेमी कॉलन लगाया ना, this means such that X is a vowel. बस हो गया, खत्म खेल. Such that X is a vowel. क्लियर, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल, नोट कर लो, ये मैंने लिख दिया. मानवी क्लियर, आंचल क्लियर, यस सर क्लियर. हाँ चल, क्लास में हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. हाँ सर, क्लास में हो ना, समझ में आ रहा है. हाँ सर, हाँ सर. ओके, यस, तो दिस इज गाइस, ये पहला हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म. ओके, चलिए अब देखिए इससे जुड़ी हुई एक बात है. अभी सेट बिल्डर के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, मगर रोस्टर फॉर्म में देखिए, ये एलिमेंट ए सेट का मेंबर है ना, तो अगर कोई एलिमेंट ए सेट का मेंबर है तो हम मेंबरशिप के लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं,
दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स, दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स. तो स्पेशल कैरेक्टर इज देयर, दिस इज कॉल्ड ई टाइप का कैरेक्टर होता है, बट दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू. सो इसको नोट कर लीजिए, दिस इज बिलोंग्स टू. एंड हाउ वी यूज दिस, लुक हियर, दिस एलिमेंट ए एंड दिस इज सेट ए. I can write element A is belongs to set A because element A is the member of this family. Element B is the member of, element E is the member of this family. Element I is the member of this family A. Element O and U are the member of this family A. So for a particular, this is the, this giving you relationship between an element and a set. So belongs to kiski relationship deta hai? Element ki or set ki. Okay, so it is giving you the relationship between, it is giving you the relationship between an element and a set. Okay, A is belongs to A, E is belongs to capital A, I is belongs to capital A, O is belongs to capital A, and U is belongs to capital A. Okay, can I write B is belongs to capital A? Does element B contains in the set A? No. So here one more symbol is used, that is called not belongs to. So add one more single in your library, that is called not belongs to. Okay, so we have two types of single symbols. One is belongs to, second one is not belongs to. So one symbol is belongs to and another one is not belongs to. Note kar liya? Okay, come to the book again. Fir se book mein aa jao. Question number 2. Yes, here you have giving a set A equal to 1 2 3 4 5 6. Okay, very simple. A equals to 1 2 3 4 5 6. You have given some questions aur ab aapko lagana hai symbol specifically belongs to or not belongs to. Chalo dekh ke hi bata do, 5 belongs to A or not belongs to A? 5, does there 5 in the set? Yes yaar, hai to belongs lagega na, belongs hi bola aap logo ne. Yes, correct. 8 belongs to A or not belongs to A? 8 not belongs to, kyunki 8 hai hi nahi hai. 0 not belongs to, not belongs to, 0 hai nahi hai. 4 belongs to, belongs to. 2 belongs to, and 10 not belongs to. Guys, samajh mein aa gaya? Koi dikkat? No dikkat. Theek, okay, chaliye next karte hain. Agla hum padhte hain set builder form. अगला हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़े अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा, मजा आएगा, है ना. देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है. एक मैं फैमिली बना रहा हूं आपके साथ और उस फैमिली को फिर सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे. ओके, उस फैमिली को फिर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा. देखो फैमिली क्या है, आर इक्वल्स टू राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. ओके, सीता सुमित्रा कौशल्या, और कौन थे इनकी पार्टी में, भरत जी की वाइफ का नाम मांडवी एंड श्रुत कीर्ति. चलो ये थी. ओके, श्रुत कीर्ति भरत की, भरत की मांडवी श्रुत कीर्ति, लक्ष्मण राम जी की सीता, लक्ष्मण जी की क्या नाम थी वाइफ का नाम, भूल गया मेरे को, कोई बताओ भाई, मैथोलॉजी इसकी तेज है. लक्ष्मण जी की वाइफ का नाम नहीं याद है, मुझे भी याद नहीं है. चलो ठीक है, भूल गया, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, ढूंढ लेंगे राम जी लक्ष्मण जी ढूंढ लेंगे. अभी यहाँ पे ये राम की फैमिली है, देखो मैंने बाहर से हनुमान वगैरह को नहीं डाला है. ओके, क्योंकि इसमें केवल राम की फैमिली है ना, हनुमान तो राम की फैमिली के ओरिजिनल तो बंदे नहीं थे, बाहर से आए हुए थे ना. तो यदि मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सो आर इज इक्वल्स टू, आर इज द सेट ऑफ फैमिली ऑफ एक्स.
Yes or no? R is the set of family of X, where X is such that X, R is the collection of element X. R उन X element का collection है. अब पहचान लिखो. Where X is relatives of राम. ये सारे राम के relative ही तो है ना, है ना? ये सारे क्या है? राम के relative है. अच्छा, यहाँ पे राम खुद है तो मेरे को राम के relative लिखूंगा तो ये आएंगे, फिर राम नहीं आएंगे तो मैंने change कर दो, राम की जगह कुछ और डाल दो. इनमें देखो दशरथ नहीं है, तो जब ये राम की फैमिली के हैं तो दशरथ की फैमिली के हैं, मतलब ये दशरथ जी के भी रिलेटिव हैं. सो यू कैन यूज हियर द वर्ड दशरथ, क्योंकि दशरथ के तो सबसे बड़े रिलेटिव राम जी आ जाएंगे, उनके बेटे हैं. हैं तो रिलेशन में ना, तो रिश्तेदार नहीं है, बेटे हैं, रिलेशन में तो है. सो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हो. और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो भाई एक और. ए इज इक्वल टू सलमान खान, ये लिख दिया मैंने. ओके, एंड कौन कौन से है, भूल गया भाई, कौन से? अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, ओके, बिग बी, एसआरके, ये मैंने लिख दिए एसआरके, ये मैं नाम चलो ठीक है भाई, चलो एस आर के, शाहरुख खान लिख लिया. ठीक है लिख दिया. अब इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए इज इक्वल टू एक्स, ओके, एक्स, एंड वेयर एक्स इज द एक्टर इन, कहां काम करते हैं ये सब लोग? बॉलीवुड में, है ना? अलग अलग इंडस्ट्री है ना, तो अपनी एक इंडस्ट्री क्या है? बॉलीवुड है ना. स्पेसिफिक एक्टर है सर, ये क्या है? हाँ जी बोलो सर. इसको x belongs to भी लिख सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पर आप x belongs to नहीं लिखेंगे. बच्चे ने पूछा क्या सर, आप इसको x belongs to नहीं लिख सकते? नो, यहाँ पर नहीं लिख सकते आप x belongs to, क्योंकि सेट के अंदर x है, जहां की सच दैट का मतलब जहां की x कोई एक्टर है, जहां की x कोई एक्टर है. ओके, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूं, चलो लिखो. n इक्वल्स टू जीरो जीरो टू फोर सिक्स हंड्रेड, ये लो जीरो टू सिक्स हंड्रेड. कहां से शुरुआत हो रही है? जीरो से. खत्म कहां पे हो रहा? हंड्रेड, मतलब फाइनाइट सेट है. तो सर क्या बताना चाह रहे हैं? सर ये बताना चाह रहे हैं कि ये हैं हमारे होल नंबर हैं, और कैसे हैं? इवन नंबर. तो ये हैं इवन होल नंबर फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड. फ्रॉम बोल रहा है मैंने, मतलब जीरो भी इंक्लूड होगा और हंड्रेड भी इंक्लूड होगा. और अगर यही मैं टू से लेके 98 लिखता तो मेरे को लिखता हूं ना बिटवीन जीरो टू हंड्रेड, क्योंकि उसमें ना जीरो इंक्लूड होता और ना हंड्रेड इंक्लूड होता, तो मैं क्या लिखता था? बिटवीन. बट मैं फ्रॉम लिख रहा हूं जीरो टू हंड्रेड. क्लियर है? तो इसको क्या लिखूंगा मैं सेट बिल्डर फॉर्म में? लिखो मेरे साथ, एन इज इक्वल टू एलिमेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स. N is the collection of element X such that जहां पर X is even natural number, क्या आएगा? From की between, from की between, from आएगा, because zero भी include कर रहे हो और hundred भी include कर रहे हो. अगर between लिखोगे तो zero और hundred हट जाएगा, तो from जीरो टू हंड्रेड. समझ में आया? मैंने भाई, ओ हो भाई, होल लिखना था, मैंने पहले होल बोला था. वेरी गुड बेटा, बहुत पहला बेटा, वेरी गुड. सो होल नंबर है, बिल्कुल सही, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो मेरे को होल नंबर लिखना पड़ेगा. अगर वन से स्टार्ट होते तो नेचुरल होता, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए क्या होगा? ये होल नंबर. क्लियर है? नोट करो, कुछ कुछ नोट कर लो. मानवी क्लियर है? आंचल क्लियर है? यस सर. ओके, डन. चलो ओके. अब
इसके बाद अब पढ़ते हैं बच्चों इंटरवल, लिखिए इंटरवल, हेडिंग डालिए इंटरवल, इंटरवल। ओके इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बच्चों हमारे पास जो नंबर लाइन है, जो अब तो हम लोग 11th क्लास में आ गए ना, अब नेचुरल नंबर तो छोड़ दो, अब आपको पूरा चलना पड़ेगा, मतलब इधर पे लेफ्ट में कैसे समझो, सेंटर में जीरो, सेंटर में जीरो, जीरो के इधर वन, अब जीरो से लेके वन के बीच में सारे रेशनल भरे हुए हैं, सारे इरेशनल भरे हुए हैं, फिर टू, और पूरा इधर चलते जाओ, यहाँ पे एंडलेस, एक कंसेप्ट इन्फिनिटी, एक ऐसा नंबर जहां हम कभी पहुंच भी नहीं सकते, वो हमने कंसेप्ट बना लिया इन्फिनिटी, और इधर का कंसेप्ट देखो दैट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी, एक कंसेप्ट यहाँ का है माइनस इन्फिनिटी, एक कंसेप्ट यहाँ प्लस इन्फिनिटी, और एक यहाँ का कंसेप्ट है माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो हमने एंड वाले नंबर देख लिए, तो यहां पर इसको हम कैसे शो करेंगे पहले ये समझो, यदि हम इस पूरे नंबर लाइन को ले रहे हैं, पूरी नंबर लाइन को ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे x belongs to open interval minus infinity to plus infinity, ये नोट करो, x belongs to open interval minus infinity to plus infinity। अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ओपन मतलब ये ब्रैकेट खुला हुआ है, ये ब्रैकेट खुला हुआ है, ये ब्रैकेट खुला हुआ है, दिस मीन ओपन इंटरवल, ओपन मतलब ऐसी चीज जिस पर आप कभी पहुंच नहीं सकते हो। क्या आप इन्फिनिटी को टच कर सकते हो, मैं बोलूंगा सबसे बड़ा नंबर कौन, छोटे बच्चे से पूछा उसने बोला 99 करोड़, देन आई वुड से 99 करोड़ 1, देन अगेन ही स्पीक्स 99 करोड़ 2, so this means we can't reach the extreme bigger number, yes or no, so that is a concept only, so we cannot put my finger to any specific number, hey guys this is the biggest number in the world, yes or no, so that is a concept only, so I can put here a open bracket, endless, no limit, ye open bracket, aur ye bhi open bracket hai, matlab extreme left mein mere paas bahut sare number hai, और एक्सट्रीम राइट में मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओके अब आइए क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, बट मान लीजिए आप किसी शादी विवाह या कहीं भी गए और आपको 15 नंबर लड्डू से लेके, यहाँ पे लड्डू नंबर 15 प्लेस है और यहाँ पे लड्डू नंबर -15 प्लेस है, सो आपको लड्डू नंबर -15 से लेके लड्डू नंबर 15 खाने हैं या ये वैल्यू होल्ड करनी है, सो -15 भी रीचेबल है और +15 भी रीचेबल है, सो दैट टाइम यू विल से कि x बिलोंग्स टू क्लोज, ये देखो दरवाजा बंद, -15 to +15, मतलब x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, x आपकी एक्सट्रीम वैल्यू तो लेगा ही लेगा और साथ ही साथ में बीच की सारी वैल्यू लेगा, एक्सट्रीम तो लेगा ही कोने वाली, दिस इज है ना, और यहां पे बीच की भी सारी वैल्यू लेगा, दिस इज कॉल्ड इंटरवल, ये इंटरवल है। अब बच्चों इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में मैं लिख दूंगा, ये हाउ टू शो दिस इनइक्वालिटी फॉर्म, गाइस सी एक्स इज फ्रॉम -∞ to +∞, एक्स की वैल्यू -∞ से बड़ी है और +∞ से छोटी है, अब इसको लिखूंगा तो पिक्चर क्लियर बिल्कुल, एक्स इज बिटवीन -15 to +15, देखो इक्वल लगा है, मतलब x की वैल्यू -15 से बड़ी है साथ ही साथ इक्वल है और यहाँ पे +15 से छोटी है और साथ ही साथ क्या है इक्वल है, सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। ओके ऑनलाइन आर्मी इज इट क्लियर, यस ओके, सो -15 to +15 ओके फाइन नाउ, अब मैं थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करता हूं, समवन सेड भैया ये लड्डू मत खाना इसमें कुछ मिलावट है बट यहां तक खा लेना ठीक है ना, सो देन आप कैसे लिखोगे, x belongs to इसको छोड़ना है ओपन इंटरवल -15 एंड अप टू, ये तो खाना है ना क्लोज 15, मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज, आधा खुला
आधा बंद. सो यू कैन राइट इट हाउ मच इन विच वे एक्सिस बिटवीन माइनस 15 एंड इक्वलिटी लगाइए प्लस 15 में. बेटा ये इंटरवल है, ये इनइक्वालिटी है. क्या बोलते हैं सिस्टम को? इंटरवल. और ये क्या सिस्टम है? इनइक्वालिटी. दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने. इंटरवल भी क्लियर हो गया, इनइक्वालिटी भी क्लियर हो गई. डन. एक्सिस बिटवीन माइनस 15 टू प्लस 15. नाउ नेक्स्ट, अगर आपको कहा गया कि ये वाले लड्डू में गड़बड़ है और ये वाला सही है, देन हाउ कैन यू राइट x बिलोंग्स टू माइनस 15 खाओ और प्लस 15 छोड़ दो. सो ये ओपन जाएगा और ये क्लोज आएगा एंड यू विल राइट लाइक दिस, x इज बिटवीन इक्वल टू माइनस 15 बट इट इज लेस देन प्लस 15. नोट करिए. सो इस तरीके से ये इंटरवल करेंगे हम. हाँ जी. डन. ओके. चलिए अब देखते हैं रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स को. रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को? मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ, कुछ इंटरवल दे रहा हूँ, आपको उनको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ इनकी इनइक्वालिटी भी लिखनी है. चलिए रफ करता हूँ, एक सिखा देता हूँ मैं आपको एंड देन फिर आप सारे रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 8 टू 15. एक मैं बता दूं पहले. देखिए जो हम इंटरवल सिस्टम यूज करते हैं वो हम किस स्पैन के लिए यूज करते हैं? मैंने वर्ड क्या यूज किया? स्पैन. स्पैन का मतलब एक पूरा एक्सटेंशन, कहां से लेके कहां तक. ओके. सो रियल नंबर इज द लार्जेस्ट स्पैन. ओके. और मैं उसको प्यार से बोलता हूँ कयामत से लेके कयामत तक. दैट इज लेफ्ट कयामत इज माइनस इन्फिनिटी एंड राइट कयामत इज प्लस इन्फिनिटी. सो इन दैट इंटरवल ऑफ कयामत से कयामत माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बीच में क्या होगा? जीरो. लिखना हो तो लिख दो बीच में जीरो. अब नाउ माइनस 8. माइनस 8 है. क्या समझ में आ रहा है? कि एक्स की वैल्यू माइनस 8 से ऐसी होगी. सही लिखा कि गलत लिखा? गलत है क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी, ओपन है. हाँ ओपन है, गलत लिखा है. तो इक्वालिटी हटाओ और 15 में इक्वालिटी लगाओ. अच्छा ये सही लिखा कि गलत लिखा? 15 में सही है ना? देखो इक्वालिटी लगी है, बिल्कुल सही है. तो 15 में इक्वालिटी लगी हुई है. सो यू कैन राइट माइनस 8 टू 15. तो इसको कैसे शो करोगे? देखो माइनस 8 यहाँ पे, देखो ये जीरो है, इधर पे कहीं पर माइनस 8 होगा. बच्चों अगर इंक्लूड नहीं है तो बनेगा बबल. तो बबल बना के बनेगा माइनस 8. कहां तक जाना है? 15 तक. तो यहां पर ही कहीं पर 15 होगा. तो इंक्लूडेड है तो लगेगा डॉट, तो 15. और बीच का सारा इंक्लूड है तो ये जो लाइन है ना इसको डार्क शेड दो. ये लो भाई शेड कर दो. तो ये बन गया माइनस 8 टू 15. समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? माइनस 8 टू 15. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. एक्स बिलोंग्स टू माइनस 7 टू प्लस 7. सो हाउ यू वुड राइट दिस? सी दिस इज प्लस इन्फिनिटी, राइट क्यामत, लेफ्ट क्यामत माइनस इन्फिनिटी, बीच में जीरो वाली धारी दे दो, अच्छा लगता है मन को, है ना? और देखो माइनस 7, तो माइनस 7 लाइज समवेयर हियर. सो माइनस 7 ओपन है मतलब बबल, और यहाँ पे प्लस 7 भी ओपन है मतलब बबल. बना लो भाई बबल. ओके. ओके. और इसके बीच का सारा इन्वॉल्व है क्योंकि बीच का नंबर तो ले सकते हैं ना, तो बीच के ऊपर थोड़ा डार्क शेड कर देना भाई, जिससे पता चल जाए हाँ हम इसकी वैल्यू ले चुके हैं. सो दिस इज, लिखना है इसको इंटरवल फॉर्म में. सो एक्स इज बिटवीन माइनस 7 टू प्लस 7. ये लो नोट करो, एक्स इज बिटवीन माइनस 7 टू प्लस 7. ठीक है सर? इक्वल का साइन नहीं लगा रहा. इक्वल नहीं लगेगा बेटा, देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल है तो इक्वल कैसे लगेगा? ओपन में नहीं लगता ना, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इसके बीच के नंबर इंक्लूड होंगे.
क्लियर आंचल? यस सर क्लियर. ओके गुड. नाउ बेस्ड ऑन दिस, अब ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म, कुछ स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म सिखा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ा. आइए कुछ स्टैंडर्ड सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं, है ना, कुछ अच्छे सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं हम लोग. लिखिए सेट ए इक्वल्स टू, सेट ए इक्वल्स टू 2 4, सेट ए इक्वल्स टू 2 4 6 8, 200. चलो सेट ए इक्वल्स टू 2 4 200. दिस क्वेश्चन इज गिवन टू यू इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दिया आपको, जो दिखना रहा हो प्लीज बता देना. 2 यहाँ 4 दिया बच्चों, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 8 दिया, 2 4 6 8 अप टू 200. इस फॉर्म में दिया गया है ये क्वेश्चन आपको, 2 4 6 8 अप टू 200. इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ. बोलो a इक्वल टू x तो आएगा, सच दैट x इज व्हाट, इवन, इवन क्या, x इज इवन नेचुरल नंबर, गलत है, हाँ इवन नेचुरल नंबर, हाँ, और फ्रॉम 2 to 200, बिल्कुल सही. सो x इज इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 200. बच्चों हाँ 2 to व्हाट, हाँ लिख सकते हैं, अप टू लिख सकते हैं, फ्रॉम लिख सकते हैं, बिटवीन बस नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा. फ्रॉम 2 to 200, बच्चों ये तो एक ग्रामेटिकल, एक इंग्लिश वाला स्टेटमेंट हो गया. अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट में बदल लें तो मेहनत और कम लग जाएगी. मैथ्स क्या करती है, चीजों को छोटा करती है. पावर एन, 2 की पावर एन नहीं है बेटा, 2 का मल्टीपल एन है. एक बच्चे ने जवाब दिया है कि 2 की पावर एन, नो 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 नो, एक्स इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल एन, एक्स इज इक्वल टू 2 into n. ओके आमिन मैं क्लास ले रहा हूँ बेटा, क्लास के बाद बात करता हूँ. सो एक्स इक्वल टू 2 into n, एक्स इक्वल टू 2 into n. अब ये देखिए 2 का n के साथ मल्टीप्लाई, n क्या होगा, पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, वेरी गुड. तो क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या होगा, नेचुरल नंबर. अब बट नेचुरल नंबर में कहां से शुरू और कहां से खत्म, 1 से शुरू, बिकॉज 2 1 जा 2, एन कहां पे खत्म, 100 पे खत्म. सो n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and ends up to 100. नोट करो, n is from 1 to 100. देखो इंटरवल मेरे, इक्वालिटी मतलब शामिल है 1, इक्वालिटी मतलब 100 शामिल है, they both are included here. So moreover you can write this in, हाँ बेटा बोलो sir, but even तो लिखा नहीं, even, ओहो x equal to 2n का मतलब even नहीं हो गया बेटा, 2 से multiply किसी भी natural number का होगा वो तो even हो जाएगा. हाँ सर, हाँ. अब हमको इवन करने की जरूरत ही नहीं है. गुड क्वेश्चन बेटा, पूछा करो. देखो पूछोगे तभी ये सब चीजें ठीक होंगी, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. सो एन एंड यू मोर ओवर यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 1 to 100. फाइन, नोट दिस. ओके, इनइक्वालिटी फॉर्म, इंटरवल फॉर्म, अंडरस्टूड. अब इंटरवल का भी यूज करना सिखा दिया ना, x belongs to close interval 1 to 100. दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, 1 भी खेलेगा, 100 भी खेलेगा. Okay, I am ready to giving you one more question. Write the question, set A again set B, B naam le lo is baar. Okay, set B, 2 4 8 16 32 1024. Write the numbers 2 4 8 8 16 32
1024. Yes, this is given in roster form. Now make the set builder form. Set builder form. Bolo iska set builder form kya hoga? What may be the set builder form? Any guess, guys? The number I have written 2, 4, 8, 16. Sir, 2 ki power n. Yes, exactly. Ek answer aa chuka hai. Aap log bolo. 2 ki power to hai, but kitni hai? Aur power kahan se kahan tak vary ho rahi hai? टू की पावर 10. सो 2 की पावर 10 तो ठीक है, 1024 है. तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? यू आर वेरी क्लोज, वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट. सो बी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x, एग्जैक्टली वेयर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n. बी इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n. पहचान, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एन क्या है? नेचुरल नंबर बताना जरूरी है मैथ्स में, नहीं तो इतने सारे नंबर है भाई, होल नंबर, इरेशनल, रेशनल, सब तो है. तो केवल पावर देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज 2 की पावर 1, दिस इज 2 की पावर 2, दिस इज 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4 एंड 1024 2 की पावर 10 होता है. 2 की पावर 10 होता है. तो एन बिलोंग्स टू एन एंड एन कहां से कहां चल रहा है? 1 से लेके 10 तक. तो और ज्यादा लिखना है ब्यूटीफुल इसको. So x such that x equal to 2 to the power n, n belongs to natural number such that n is belonging to close interval 1 say 10, because 1 bhi khelega aur 2 ki power 10 bhi khelega. Thank you so much. Bilkul sahi, very good. Note kiya. Yahan equality lagegi bachcho, jo 10 bhi hai, involve hai. Done. So let's see some example from the book. Okay, we have few examples in the book. Question number 3. Come to the question number 3, guys. First question is, convert the following into the roster form. Roster form. So you have given some set builder rotations, and out of these you need to convert them each into the roster form. So starting with the question number 1, what is given here? You have to notify a set A and S such that X is an integer. Okay. X says that X is an integer and thank you. And X is between -3 to 7. Okay, let's see, guys, how to convert this. X says that X is an integer. Yaar, dekho, is question ko thoda aur simple main chahta na, to main kaise karta? A is equal to X such that X. Bhai, itna mehnat karne ki kya zarurat thi? X such that X belongs to an integer. Seedhe I likh dete na. I मतलब इंटीजर ही तो होता है, और उसके बाद x की वैल्यू -3 से लेके 7 के बीच में है. चलो बस, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये नंबर लाइन, और ये कैसी वाली नंबर लाइन? रियल नंबर वाली नहीं है, ये इंटीजर वाली है. तो इंटीजर के बीच में क्या आता है? 0. इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. चलो कन्वर्ट करो. अब मेरे बात का जवाब दो. A इक्वल्स टू, बोलो -3 इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. वेरी गुड, नहीं होगा, बिकॉज -3 से बड़ा चाहिए है, इक्वल नहीं लगा है.
तो इन्वॉल्व नहीं होगा. माइनस टू होगा कि नहीं होगा? माइनस वन होगा, माइनस जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा, फाइव भी होगा, सिक्स भी होगा. क्या सेवन इन्वॉल्व होगा? नहीं, नहीं होगा. सो राइट द आंसर माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. दैट्स इट. सो दिस इक्वल टू लगा है अगर, तो फिर ये भी लगाओ, ये भी लगाओ, दोनों तरफ लगा है. अगर एक तरफ लगा तो जो लगा उसको लिख लो. अगर बुक में इक्वल टू लगा है तो ये लीजिए. डन, नोट करिए जी. ठीक है, चलिए तो होमवर्क लिखिए. कंप्लीट एक्सरसाइज फर्स्ट. कल ये आपकी पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी बच्चों, ठीक है? मजे से करके लाओ कल ये एक्सरसाइज, बेहतरीन एकदम. फर्स्ट एक्सरसाइज उड़ के बनेगी आप लोगों से, ठीक है ना? और कंप्लीट करो, फिर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सर. थैंक यू सर. क्लास की टाइमिंग अब यही रहेगी ना? हाँ, क्लास की टाइमिंग बिल्कुल यही है बच्चों, बिल्कुल यही है. अभी इसमें कोई चेंजेस होने का प्रावधान नहीं है. अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो बताओ. थैंक यू. राजुल सर, क्लोज कर दो इसको.